Today, we are going to teach class 10 history. Topic is globalization and subtopic role of technology. What was the role of technology in all this? The railways, steam lines, the telegraphs, for examples, were important inventions without which we cannot imagine the transformed 19th century world. हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना हम जो आज का युग देख रहे हैं वो रेलवेज के बिना, वो स्टीम शिप के बिना संभव नहीं था, ये टेलीग्राफ के बिना संभव नहीं था. बट टेक्नोलॉजी एडवांसेस वेयर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, कोलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट. फास्टर रेलवेज, lighter wagons and larger ships helped move food more cheaply and quickly from far away farms to final market. ये जो रेलवे बनाए गए, ये जो स्टीम शिप बनाए गए, ये जो हल्के वैगन बनाए गए, इसका फायदा क्या था? इसका फायदा ये था कि खेत से सामान को बाजार में बहुत जल्द पहुंचाया जा सकता था. The train is meant offers a good example of this connected places. Till the 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. पहले के जमाने में जो पशुओं का जो भेजा जाता था, पशुओं के मांस के लिए जिंदा पशु को ही भेज दिया जाता था शिप में भर कर करके, और वहां जाकर के जब वो पहुंचता था तब उसको जो है ना सो बुचर खाने में, कसाई खाने में उसे काटा जाता था. बट लाइव एनिमल्स टुक अप ए लॉट ऑफ शिप स्पेसेस. लेकिन ये जिंदा जानवरों को जो भेजा जाता था वो शिप में बहुत ज्यादा जगह छेक लेते थे. मेनी ऑल्सो डाइड इन बॉयज, फेल ए लॉस्ट वेट और बिकम अनफिट टू इट. बहुत सारे ऐसे होते थे यात्रा के दौरान वो बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे, उनका वजन घट जाता था और वो खाने के लायक वो मांस नहीं रहता था. मीट वॉज हैंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रिच ऑफ द यूरोपियन पुअर. तो मांस वहां पहुंच करके महंगा हो जाता था, अमीर लोग तो उसका सेवन कर पाते थे लेकिन गरीब लोग उससे वंचित रहते थे. हाई प्राइसेज इन टर्न कैप डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी, नेमली रेफ्रिजरेटेड शिप्स विच एनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. लेकिन उस समय में एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई कि जो शिप में जा रहा था जानवर, अब उसमें रेफ्रिजरेटर लगा दिए गए और जिंदा जानवरों के बजाय अब उनका मांस जो है पैक कर करके भेजा जाने लगा. तो ये मांस जल्दी पहुंच रहे थे और ये जगह भी कम छेकते थे और ये मांस खराब नहीं होता था. नाउ एनिमल्स वी आर स्लॉटर फॉर फूड एट द स्टार्टिंग प्वाइंट इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. ये मांस पहुंचता था कहां? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में. एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट. और फिर वहां से यूरोप के और देशों में ये पहुंचते थे. द रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लोअर मीट प्राइसेज इन यूरोप. इससे क्या हो गया? शिपिंग कॉस्ट घट जाने से मीट का कीमत भी कम हो गया और ये अब सभी लोगों तक पहुंचने के लायक हो गए. द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम ए मोर वैराइड डाइट. अब जो गरीब लोग थे वो विभिन्न प्रकार के खानों का सेवन कर सकते थे. टू द अर्लियर मोनोटोनी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज मेनी थॉट नॉट ऑल कुड नाउ एड मीट. अब ये सिर्फ आलू और ये जो ब्रेड होते हैं यही वहां के लोगों का मुख्य भोजन नहीं रहा, इस भोजन में अब जो है मीट भी जुड़ गया तो लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा हो गया. सो दियर डाइट बेटर लिविंग कंडीशन प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रॉड. इससे क्या हो गया? लोगों की जीवन अच्छा हो गया और ये एक साम्राज्यवाद की तरफ देश बढ़ने लग गया. लेट 19th सेंचुरी कॉलोनलिज्म ट्रेड प्रोड्यूस्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी. बट दिस वॉज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रोस्पेरिटी, इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट देर वॉज ए डार्कर साइड ऑफ द प्रोसेस. मैं ये भी देखता हूँ कि उस समय में जो ट्रेड बढ़ रहा था या और चीजें बढ़ रही थी, जो मनी का फ्लो हो रहा था या लेबर का फ्लो हो रहा था, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें हो रही थी जो इसका एक बहुत ही अंधेरा पक्ष है.
In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedom and livelihood. बहुत सारी स्वतंत्रता लोगों की खत्म होती जा रही थी, लोगों की रोजी रोटियां जा रही थी. Late 19th century European conquest produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized society were brought into the world economy. उसने बहुत सारे ऐसे देश जो इकोनॉमी तौर पे वीक थे या जिनके यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव था, इन देशों को उन्होंने अपने कब्जे में करते गए और उन देशों को उन्होंने काफी पीछे कर दिया. लुक एट ए मैप ऑफ अफ्रीका, यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर्स रन स्ट्रेट एज इफ दे वेयर ड्रॉन यूजिंग ए रूलर वेल इन फर्स्ट. कुछ देशों की सीमाएं तो ऐसी थी कि वो सीधे स्केल से उसको सीधा खींचा जा सकता था. वेल इन फैक्ट दिस वॉज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर इन अफ्रीका ड्रू ऑफ द बॉर्डर्स डिमार्किंग दियर रिस्पेक्टिव टेरिटरी इन 1885. द बिग यूरोपियन पावर मेड इन बर्लिन टू कम्प्लीट द कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम. यूरोप के कुछ ऐसे देश थे जैसे कि हम लोग ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं, फ्रांस के बारे में, ये लोग अफ्रीका को कब्जे में करना चाहते थे. इन्होंने अपने अपनी टेरिटरी बांट ली थी और उन टेरिटरी के लिए इन्होंने डिमार्किंग करना शुरू कर दिया था. ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरी इन द लेट 19th सेंचुरी. बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर. उसी समय बेल्जियम और जर्मनी जो है औपनिवेशिक ताकतों में से एक देश बन के आगे आया था उस समय में. द यूएस ऑल्सो बिकेम ए कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन. लेट अस वन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल. तो हम ये देखते हैं कि जिस देशों में कॉलोनियल सिस्टम डेवलप हुई वो देश काफी पीछे होता चला गया. नेक्स्ट टॉपिक, रिंडर पेस्ट और ए कैटल प्लेग. इन अफ्रीका इन द 1890s ए फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडर पेस्ट हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपुल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी. 1890 के दशक में यह देखा गया कि अफ्रीका में खास करके जानवरों में एक खास तरह की बीमारी हो गई जिसे कहा जाता है प्लेग या इसको डिंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है. दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज सोसाइटी. और यही समय था कि यूरोपियन लोग जो है अफ्रीका में अपने इम्पीरियलिज्म को बढ़ाना चाह रहे थे. इट शोज हाउ द era of conquest, even if disease affecting cattle, reshaped the lives of fortune of thousands of people and their relation with the rest of the world. Historically, Africa had abundant land and relatively small population. Africa ke paas zameen ki koi kami nahi thi, lekin uski abadi kya thi? Bahut kam thi. For centuries, land and livestock sustained Africa livelihood and people rarely worked for a wage. उसमें अफ्रीका के लोग अपना काम करते थे, वो अपने जानवरों को पालते थे लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं करते थे. इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वेयर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाय. इफ यू हैड बीन इन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइव स्टॉक एंड देयर वेयर प्लेंटी ऑफ बोथ यू टू वुड हैव बीन लिटिल रीजन टू वर्क फॉर ए वेज. उनके पास काम करने के लिए कुछ था नहीं, वो अपना रोजी रोटी जो है अपने जानवरों को पाल करके पूरा करते थे और अपने खेतों में खेती कर करके. इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन वेयर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स. अफ्रीका का ध्यान यूरोपियनों ने अपनी ओर खींचा कि अफ्रीका में जो बहुत सारे मिनरल थे, उनके पास जो एनिमल था, इसने यूरोपियनों को अपनी ओर ललचाया. यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट यूरोप. वो अफ्रीका से जो मिनरल है और उसके बाद जो उसके पास जो क्रॉप्स है उसको यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट करना चाहता था. बट देयर वाज एन एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेज. लेकिन एक समस्या ये थी कि मजदूरों की कमी के कारण ये पूरा नहीं कर सकता था. European used many method to recruit and retain labor. Heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages on plantation and mines. Inheritance laws were changed so that peasants were displaced from land.
उसने वहां के मजदूरों को, वहां के लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए, उन्होंने उसको भर्ती करने के लिए टैक्स बांध दिया, टैक्स को बढ़ा दिया गया और किया गया कि इनहेरिटेंस लॉ जो बनाया गया कि फैमिली के एक ही मेंबर को प्रॉपर्टी मिलेगा, बाकी लोग प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से जो लोग प्रॉपर्टी से बाहर हो गए उन्हें जबरन जो है मजदूरी में धकेल दिया गया। मेंबर ऑफ ए फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वेयर पुश देम इन टू लेबर मार्केट। माइन वर्कर्स वेयर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। उनको एक चार दीवारी में कैद कर दिया गया कि इससे बाहर वो नहीं जा सकते हैं। देन कैम रिंडरपेस्ट ए डिवास्टिंग कैटल डिजीज। उसी समय में कैटल में जो ये बीमारी फैली रिंडरपेस्ट, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा। रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880। इट वॉज कैरिड बाय रिफर्ड कैटल इग्नोर फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इंडियन। बहुत सारे जो कैटल थे 90% कैटल जो है डेड कर गए रिंडरपेस्ट से। यही जो बचा खुचा जो उनके पास एनिमल था उसको इन्होंने अपनी कस्टडी में कर लिया। उसके बाद उनके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करते, तो उनको जो है मजदूरी करनी पड़ी। इस तरीके से अफ्रीका को इन्होंने जो है अपनी कस्टडी में, अपने कब्जे में कर लिया। वहां उन्होंने कॉलोनियलिज्म को काफी बढ़ावा दिया। थैंक यू।